गुड इवनिंग ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आप चैट सेक्शन के अंदर गुड इवनिंग लिख सकते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में और मैं आपको बता देता हूं। मैं कॉर्पोरेट अटॉर्नी हूं पैन इंडिया। मेरे पास 3000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बूटस्ट्रैप मैंने मेरी कंपनी को करा, लीगल टेक कंपनी ऑनलाइन बनाई है और बड़ी बड़ी देश की एडटेक कंपनीज के अंदर प्रोफेसर भी हूँ, जैसे बड़ा बिजनेस, अनअकैडमी, लॉ सीखो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बिजनेस के अंदर लीगल प्रॉब्लम्स आती है स्केल अप करने के अंदर, क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर इंडिया में स्केल अप करना चाहता है, बिजनेस को बड़ा करना चाहता है ना, तो उसको क्या लगता है कि मेरे पे लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे और मैं उन्हीं में उलझ जाऊंगा और धंधे को बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आज बड़ा बिजनेस पे हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए कि कैसे बिजनेस के अंदर आपको अपने लीगल इश्यूज को कम करना है और बिजनेस को तेजी से स्केल करना है। देखिए, इंडिया के अंदर 26+ यूनिकॉर्न्स थे, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर $36 बिलियन का कैश इनफ्लो हुआ था। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको चार चीजें बताऊंगा। पहली चीज है रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से लाइसेंसेस आपको चाहिए होते हैं। दूसरी चीज है लीगल डॉक्यूमेंट्स। तीसरी चीज है कैसे आपको लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। और चौथी चीज, कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। देखिए, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होता है ट्रेडमार्क। देखिए, ट्रेडमार्क हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। ट्रेडमार्क के ऊपर हमने एक डिटेल कोर्स बनाया बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। हर धंधे का एक नाम होता है, बिना नाम का कोई धंधा नहीं होता है। तो ट्रेडमार्क हर बिजनेस के अंदर जरूरी है। जो भी आपका ब्रांड नेम है, बिजनेस को चालू करते समय या चालू करने से पहले ट्रेडमार्क लेना बहुत जरूरी है। लेटर ऑन आपने एक बिजनेस को बड़ा करा, स्केल करा, आपको एक सीए या लॉयर बताए कि इसका ट्रेडमार्क ही नहीं हो सकता, ये ब्रांड प्रोटेक्टेड ही नहीं हो सकता, डिल्यूटेड मार्क है। तो अल्टीमेटली जो आपने पैसा 1 साल 2 साल मार्केटिंग के ऊपर खर्चा कर दिया ना, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो कभी भी बिजनेस को चालू कर रहे हो, इस चीज को माइंड में रख लेना कि ट्रेडमार्क सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्राइवेट लिमिटेड, LLP या पार्टनरशिप फर्म। देखो, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है और आप सब लोग बड़ा बिजनेस के कस्टमर हो, क्लाइंट हो, बड़ा बिजनेस ऐप के ऊपर हो, तो छोटा बिजनेस कोई नहीं करना चाहता है, सबको स्केल अप करना है। प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप फर्म की आपको बेनिफिट बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, ऑटो पायलट कर सकते हो इनकी मदद से। तीसरी चीज होती है लाइसेंसेस। इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करना है, ड्रग लाइसेंस चाहिए, फूड का बिजनेस करना है, फूड लाइसेंस चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लाइसेंसेस होते हैं। इसके कंसल्टेंट हर चीज के अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी प्रोसेस आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन के अंदर। चौथी चीज होती है एग्रीमेंट्स। देखो, धंधे के अंदर है ना, अगर आप वर्बल चीजें कर रहे हो तो आप बहुत बड़े लॉस के अंदर हो। हर चीज लिखित में होनी चाहिए, ईमेल के ऊपर होनी चाहिए, राइटिंग के अंदर होनी चाहिए, तभी आप सेफ रह सकते हो बिजनेस के अंदर, उसको स्केल कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपकी बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, वो है हायरिंग को लेके। आज हर एंटरप्रेन्योर दुखी है हायरिंग को लेके, कि सर टीम को लेकर आते हैं, टीम छोड़ के चली जाती है, लोग काम नहीं करते हैं, टारगेट्स के ऊपर नहीं बैठते हैं। 6 महीने टीम आती है, ट्रेन होती है, लोग मजे करते हैं और 6 महीने बाद हमें छोड़ के चले जाते हैं। और यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपका बिजनेस बड़ा ही नहीं हो पा रहा, छोटा बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर बन गया है आपका। तो सबसे पहले आपको हायरिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपको धंधे को बड़ा करना है ना, तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को लेकर आना है। ब्रिंग पीपल स्मार्टर देन यू, जो एक्चुअली में आपकी कंपनी को बड़ा बना सकते हैं। बट जब लोग आपसे स्मार्ट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो वो आपकी कंपनी में रिटेन क्यों होंगे, वो आपकी कंपनी में रुकेंगे क्यों? वो तब रुकेंगे जब आप उनसे एम्प्लॉय एग्रीमेंट साइन करवाओगे। वर्बल एग्रीमेंट, वर्बल एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर, ध्यान रखना। अगर आपको एक एम्प्लॉय को रिटेन करना है ना, तो उससे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन कराना है, बॉन्ड साइन करवाने, एटलीस्ट 2 से 3 साल एम्प्लॉय के रिटेंशन के लिए उसका एग्रीमेंट जरूरी है। वापस कह रहा हूँ, कितना ही अच्छा एम्प्लॉय हो, कितना ही प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय हो, कितने टाइम से उसको जानते हो, अच्छे लीडर को ला रहे हो, चाहे सेल्समैन को ला रहे हो, सर्विस वाले बंदे को ला रहे हो, एडिटर्स को ला रहे हो, टेक टीम को ला रहे हो, एग्रीमेंट सबके साथ जरूरी है। एग्रीमेंट से आदमी हिंदुस्तान में रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो आपका एग्रीमेंट है ना एम्प्लॉय के साथ, वो डिटेल में होना चाहिए। उसके रोल्स क्या है और उसके गोल्स क्या है, कैसे वो ड्यूटी को फुलफिल करेगा, क्या उसके टारगेट्स हैं, क्या उसके KPI है, KR है, कितना आउटपुट उसको कंपनी को देना है और कितने टाइम तक उसका रिटेंशन होगा, कितने टाइम तक उस कंपनी के अंदर रुकना है, सर्विस देनी है, और कैसे वो रिजाइन कर सकता है, रिजाइन करने से पहले कितने टाइम पीरियड में उसको नोटिस देना है कंपनी को, ये हर चीज़ उसके एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। और एक कंपनी में पॉलिसी बना दो। जब आप स्केल अप करते हो, बड़ी कंपनी बनाते हो ना, तो कई बार सैलरीज निकलती रहती हैं, आपको पता नहीं होता कि एग्रीमेंट साइन हुआ या नहीं हुए। HR की ड्यूटी लगाओ या कंपनी पॉलिसी बनाओ कि बिना एग्रीमेंट के, डॉक्यूमेंटेशन के, भैया सैलरी नहीं बांटूंगा। वापस इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको सैलरी नहीं बांटनी है, ना ही अपने HR डिपार्टमेंट को अलाउ करना है।
अब बेसिक टिप बताता हूँ एम्प्लॉय एग्रीमेंट के। देखिए पहली चीज, एम्प्लॉय एग्रीमेंट डिटेल में होना चाहिए। आप लोग क्या छोटा एक दो पन्ने तीन पन्ने का बनाते हो नेट से टैंपलेट उठा के, सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखो एम्प्लॉय एग्रीमेंट में एम्प्लॉय के पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए, आपके पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए कि एम्प्लॉय को करना क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, रोल्स क्या है, सैलरी कितनी है, इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, ईसॉप दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, सारी चीज़ें इन डिटेल एग्रीमेंट के अंदर आती है। फिर आता है टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे मेजर चीज़ है। अगर एम्प्लॉय 6 महीने आ रहा है ना, एक चीज़ मान के चलना 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में एम्प्लॉय को रिटर्न नहीं देता कंपनी को, बेसिक 6 महीने एक एम्प्लॉय कंपनी को समझता है, उसके बाद वो आरओआई देना चालू होता है, उसी बीच वो आपको छोड़ के चला गया तो कंपनी छोटी रहेगी। कंपनी को बड़ा करना है, धंधे को स्केल करना है, तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एटलीस्ट 3 ईयर्स का टाइम पीरियड डालो, और काफ़ी सारी कंपनीज इसको 5 ईयर्स तक रखती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर एम्प्लॉय से हमने टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवा लिया तो ये तो मजदूरी हो गई, बदमा मजदूरी, क्या ये लीगली अलाव है? जी हाँ, अगर आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, ग्रोथ दे रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो आप एम्प्लॉय से बॉन्ड साइन करवा सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पेनल्टी भी लगा सकते हो, अगर आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है, लेट्स सपोज हमने 3 ईयर्स का बॉन्ड साइन करवाया था, 2 ईयर्स का करवाया था, वो 1 साल में जा रहा है, बॉन्ड जो पेनल्टी का अमाउंट है ना वो एम्प्लॉय के बॉन्ड में पहले ही आपको मेंशन करवाना है। ये चीज़ भी जरूरी है जिससे एम्प्लॉय के मन में डर रहे कि हाँ मुझे कंपनी को छोड़ के नहीं जाना, इतने टाइम तक कंपनी के साथ रहना है, उससे एम्प्लॉय के मन में भी चीज़ें क्लियर है, आपके साथ भी चीज़ें क्लियर है, आपको हेडेक नहीं होगी कि एम्प्लॉय कभी भी छोड़ के जा सकता है। चौथी चीज, NDA एंड NCA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। अब ये क्यों जरूरी है? यह आपके जो पार्टनर्स, को फाउंडर्स, एम्प्लॉय, जो आपकी कंपनी के हेड्स हैं, उन सब के साथ साइन होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो कंपनी में हमारे काम करता है, हमें ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग करानी है। एक कहावत भी है कि एक बार CFO ने CEO को मैसेज करा कि सर हम इतना सारा पैसा है ना एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में लगा रहे हैं, उनकी ग्रोथ में लगा रहे हैं, वॉट इफ़ कि वो हमें छोड़ के चले जाए। उस पर CEO ने आंसर करा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग ना दें, इनको एक्सप्लेन ना करें प्रोसेस, और इनकी ग्रोथ में इनको मदद ना करें, और ये लोग रिटेन हो जाएं, तो फिर कंपनी का क्या होगा? तो वही एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी है। देखो एम्प्लॉय ट्रेन होगा तभी वो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दे सकता है, उसके बिना नहीं देगा। बट उसके रिटेंशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, NDA, NCA, एम्प्लॉय एग्रीमेंट, सब जरूरी है, जिससे ना आपकी कंपनी का डेटा लीक हो, ना वो आपका कॉम्पिटिशन बने, वो रिटेन हो, आपकी कंपनी को ग्रो करे और आपको ग्रो होने में मदद करे। अब बात करते हैं पार्टनर की और को फाउंडर की। देखिए आज के टाइम में ना अगर बड़ा बिजनेस करना है, ग्रोथ चाहिए, तो सबको को फाउंडर चाहिए। हर बिजनेस के अंदर, बड़े बिजनेस के अंदर जहाँ पे फंडिंग हो रही है, फंड रेज हो रहे हैं, वहाँ को फाउंडर्स मिलेंगे। अब लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान में, पार्टनर को फाउंडर रिलेशन बेसिस पे उठा के ले आते हैं, रामू काका को लेकर आ जाते हैं कि ये मेरे नोन में अच्छा बंदा है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा रिलेटिव है, उनको नहीं लाना। जब भी आपको हायरिंग करनी है अपने पार्टनर को फाउंडिंग की, सबसे पहले तो को फाउंडर पार्टनर को स्किल और विल के बेसिस के ऊपर लेकर आओ, इस चीज़ का ध्यान रखना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपने को फाउंडर और पार्टनर को स्किल और विल के बेसिस पर लेकर आओ, फिर उसके बाद उनसे एग्रीमेंट साइन कराना होता है। हम क्या करते हैं, पार्टनर लिया है, शेयर होल्डर लिया है, को फाउंडर लिया है, हम उससे एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं। आपको पता है housing.com के बारे में, housing.com के अंदर 17 को फाउंडर थे, फंड रेज भी हुआ था उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बट डूबा क्यों स्टार्टअप? को फाउंडर छोड़ के चले गए, कोई को फाउंडर एग्रीमेंट ही नहीं था, ड्यू डिलिजेंस में भी जो लॉयर्स थे, CA थे, उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। अब को फाउंडर जब एग्रीमेंट नहीं था, रोल्स ड्यूटी क्लियर नहीं थी, सारे फाउंडर्स निकल गए जो को फाउंडर्स थे, अल्टीमेटली एक दो एंड में रह गए, कंपनी चल नहीं पाई और अल्टीमेटली कंपनी लॉस में चली गई, भारत पे में क्या हुआ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी को फाउंडर्स पार्टनर्स लेकर आ रहे हो ना, कितना भी अच्छा नोन में है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कुछ भी है, एग्रीमेंट पहले जरूरी है, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं आता, धंधे में नुकसान होता है ना, तब डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिजनेस के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए हर एक से हर रोल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस के टाइम पे कैसे चलेगी कंपनी, कैसे चलाना है, क्या रोल्स हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, हर चीज़ इन एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जरूरी है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट ये होता, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ तीनों। जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब बनाते हो, जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, ये एक तरह की अनरजिस्टर्ड फॉर्म भी आप कह सकते हो कि हम दो जने मिलकर आपस में बिजनेस चालू कर रहे हैं। दूसरा होता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट, आज मैंने प्राइवेट लिमिटेड बना ली, अब एक्टिव पार्टनर तो उसमें दो ही है, बट 3 जने और पैसा लगा रहे हैं मेरे शेयर्स के अंदर, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता है कि जो शेयर होल्डर है ना उनके राइट्स क्या होंगे मेरी कंपनी के अंदर, तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट। फिर तीसरा होता है को फाउंडर्स एग्रीमेंट, अब जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी को फाउंडर्स आते जाएंगे, अब वो जो को फाउंडर्स आएंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे, जो हेड बनेंगे, उनकी रोल्स,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज कंपनीज के अंदर क्या है। और आज के टाइम में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, जितने इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, वीसी फर्म के पार्टनर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, सब मेरे को यही कहते हैं कि आज के टाइम में हम कंपनी का आइडिया देखने से पहले ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले ये देखते हैं कि को फाउंडर एग्रीमेंट साइंड है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टअप इसी के चक्कर में डूब गए, बर्बाद हो गए। अब मैं आपसे बात करूंगा वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, डेटा एंड पॉलिसी के बारे में, क्योंकि इसको लेके भी देखिए, आज से 10 साल पहले डेटा की कोई वैल्यू नहीं थी, डेटा पानी के भाव बिकता था, बट आज के टाइम में डेटा है ना ऑयल के भाव में बिक रहा है, और ऑयल से भी महंगा अब डेटा हो गया है, मुकेश अंबानी जी खुद कहते हैं। अब इंडिया के अंदर 2022 के अंदर नया बिल पेश हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी डेटा का ब्रीच करती है तो 500 करोड़ का फाइन है। इस चीज का ध्यान रखना, जो फाइन यूएस कनाडा के अंदर लग रहे थे ना, अब वो फाइन इंडिया के अंदर लगेंगे 500 करोड़ रुपए, अगर आपने अपने कंज्यूमर का डेटा ढंग से मैनेज नहीं करा तो। और ये पेनल्टी है ना 10,000 करोड़ तक जा सकती है। अब वेबसाइट बना रहे हो, आपका टेक स्टार्टअप है, तो आपको 5 चीजें चाहिए। पहली चीज वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपकी वेबसाइट है विजिबल होनी चाहिए हर विजिटर को जो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है। दूसरी चीज़ है प्राइवेसी पॉलिसी, तीसरी चीज़ है कुकीज पॉलिसी, मतलब कंज्यूमर का डेटा आप कैसे स्टोर कर रहे हो, उसकी एज क्या वो आपकी वेबसाइट पे देख रहा है, तो कुकीज पॉलिसी अच्छे से आपकी वेबसाइट पे मेंशन होनी चाहिए। चौथी चीज़ डिस्क्लेमर, जो हमने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते हैं कि वहाँ पे डिस्क्लेमर आता है, तो आपको डिस्क्लेमर भी लगाना जरूरी है। पांचवी चीज़ रिफंड पॉलिसी, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, ऑनलाइन अपने वेबसाइट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स के अंदर आते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे क्लियर रिफंड पॉलिसी होना जरूरी है। नहीं होगी तो 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के बीच में आपके ऊपर फाइन लग सकता है। पहले गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं थी, बट आज के टाइम में गवर्नमेंट सीरियस है। अगर आपने 5 चीज़ें नहीं करी है तो आज ही इनको करवाइए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी लॉ फर्म सोनीस विजन इस समय 4,000 से ज़्यादा वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन ई कॉमर्स कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन 5 चीज़ों के लिए, 5 चीज़ आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा लीगल एंटिटीज़ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो बड़ा बिजनेस के इस वेबिनार में आए, उनको फंड रेज करना है, स्केल करना है, अब उनको लीगल एंटिटीज़ में दिक्कत आती है, प्लस सीए हमें डरा देता है कई बार कि यार नॉन आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रहो, प्राइवेट लिमिटेड में आपका टैक्स बढ़ जाएगा, LLP में आपका टैक्स बढ़ जाएगा, कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगी, पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा। पहली चीज़ मैं आपका मिथ दूर कर देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड LLP में कोई खर्चा नहीं पड़ता है, साल का 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा, कितना 20,000 रुपीज़ मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो क्या है, अगर आपको स्केल अप करना है, बड़ी कंपनी बननी है, किसी भी आप बड़ी कंपनी को उठा के देख लो जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ है, क्या आज तक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को देखा है तब पहुँचते हुए? नहीं देखा होगा। सारी प्राइवेट लिमिटेड LP मिलेगी, क्यों? बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, इतने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं ना, टैक्स बेनिफिट्स हैं, ESOP बेनिफिट्स हैं, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, आप लोन ले सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बिजनेस को अभी चालू करा है, नया धंधा है, आपको नहीं पता कि कितना बड़ा बनेगा, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से चालू कर दो, मतलब खुद का करंट अकाउंट खुला लो GST लेके, बट आपको पता है कि आपका धंधा स्केल हो सकता है, आपको एम्प्लॉयज लेकर आने, फंड रेज करना है, लोन लेना है, तो प्राइवेट लिमिटेड LLP मस्ट है आज के टाइम में, ध्यान रखना। बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, स्केलिंग करना ईजी है, आपकी रिस्क कम होती है, तो आप स्केल कर सकते हो, कैपिटल उठा सकते हो, इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो अपने शेयर बेच के, लोन्स उठा सकते हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा लोन प्राइवेट लिमिटेड को देती है। और ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसके ऊपर हमने बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर डिटेल कोर्स बनाया पूरा ESOP को लेके, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अगर कोई बड़ा आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी आपकी कंपनी में आ रहा है, 5 साल उसको रिटेन करना है, तो वो क्यों आपकी कंपनी में आएगा? आप सोचिए एक बार, बहुत एक्सपर्ट है, चाहे वो टैग का हो, सेल्स का हो, प्रोडक्ट का हो, क्यों आएगा, क्यों रुकेगा? अगर उसको लगेगा भैया कंपनी में मेरे को हिस्सेदारी मिल रही है, कुछ इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, अब हर एक को तो सारी इक्विटी आप बांट नहीं सकते हो कि हर एक को 10% इक्विटी बांट दी तो आपके पास कुछ नहीं बचा। वहाँ पे एक पूल बनाया जाता है, ESOP पूल, लेट सपोज उसके अंदर आपने 1,000 इक्विटी शेयर रख दिए और आपने कहा कि इसके अंदर से ना मेरा जो 20 क्रीम टॉप टैलेंट होगा उसको 50-50 इक्विटी शेयर में दे दूंगा, तो आप 20 जो क्रीम बंदे ना आपके, उनको आपने इक्विटी दी, उस चक्कर में 5 साल रिटेन हो गए। तो अगर क्रीम टैलेंट इतना लंबे समय तक रिटेन हो रहा है ना, तो सोचिए आपके बिजनेस को वो कहाँ तक लेके जाएगा। ESOP पूल जनरली जो टेक कंपनीज होती हैं या जो स्टार्टअप फंड रेज करते हैं, वो 7% से लेकर 15% के बीच में होता है। अगर आप एक नॉन टेक कंपनी है, मतलब टेक का ज़्यादा काम नहीं है, तो 7 से 10% के बीच में आप ESOP पूल बनाना, बट
टैग की जरूरत है। जैसे आप बना रहे हो पेटीएम जैसी ऐप, भारत पे जैसी ऐप, शादी डॉट कॉम जैसी ऐप, तो यहाँ पे ना आपको अच्छी खासी इक्विटी देनी पड़ती है अपने टेक फाउंडर्स को। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन कंपनीज ने ना इन ईयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इक्विटी अपने टेक फाउंडर्स को दी है। अब बात करते हैं बारकोड की। देखिए बारकोड क्या है, बारकोड इंडिया के अंदर आज से 20 से 25 साल पहले आया था। अब अगर आपको अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, रिलायंस यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है ना, या किसी भी बड़े चेन स्टोर के अंदर, तो आपको चाहिए बारकोड। आज ही मार्केट में जाना, पानी की बॉटल से लेके, फेस वॉश से लेके, कुछ भी मार्केट में उठा लेना, हर एक पे आपको क्या दिखेगा, बारकोड। बारकोड क्यों जरूरी है, इससे स्टैंडर्ड्स बिल्ड होते हैं, प्लस अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, इन सब के अंदर बेचना ईजी हो जाता है। तो बारकोड कोई ऐसी कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, आज के टाइम में इजीली अवेलेबल चीज़ है। गूगल करना है आपको बारकोड रजिस्ट्रेशन, 1000+ वेंडर आपको मिल जाएंगे। हमारी लॉ फर्म सोनीस विजन भी बारकोड में मदद करती है क्लाइंट्स को। हम हर साल वेंडर्स को मदद करते हैं बारकोड की मदद से स्केल अप होने पे, अमेजॉन के ऊपर रजिस्टर्ड होने से, मीशो, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, इन सारे बड़ी चेन्स के ऊपर कैसे रजिस्टर्ड होना है, बारकोड को कैसे लेना है, इंटरनेशनल बारकोड क्या होता है, नेशनल बारकोड क्या होता है, इन सब चीज़ों के अंदर। तो बारकोड बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचना चाहते हो, या किसी रिटेल स्टोर के अंदर जो चेन बेस्ड होते हैं, जैसे रिलायंस का है, बिग बाजार का है, वहां बेचना है। तो ये सब था लीगल। अब मैं आपको बताऊंगा IPRs के बारे में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। देखिए आपको पता होगा जो एप्पल है ना, वो अपना फोन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, एप्पल अपना पैसा लगाता है डिजाइन में, पेटेंट्स में, और जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होता है उनको वो आउटसोर्स करते हैं। क्योंकि देखिए एप्पल को पता है कि अगर मैं हर जगह फैक्ट्री लगाने बैठ गया ना, तो मैं स्केल अप नहीं कर पाऊंगा। किस किस कंट्री में फैक्ट्री लगाऊंगा, लेबर यूनियंस को झेलता रहूंगा, मैं मेरा पैसा लगाऊंगा पेटेंट्स में, डिजाइंस में, ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट्स में, प्रोडक्शन कोई और करता रहेगा। प्रोडक्शन में फोन टूटा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वो उसकी हेडक है। मेरे को तो अल्टीमेटली फाइन प्रोडक्ट चाहिए, मेरा आईफोन। पहले चाइना में इनकी फैक्ट्री थी, अब इंडिया के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन अपना शिफ्ट कर दिया है। तो अगर आपको स्केल करना है तो आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इन सब की नॉलेज होना जरूरी है। ये इतनी बड़ी चीज़ है ना लाइसेंसिंग का धंधा, जो IPRs का धंधा है, आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। अब देखिए ये है ना हल्दीराम और एक लल्लू लाल हलवाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हल्दीराम अपने प्रोसेस को स्केल कर गया, अब हल्दीराम के पास बहुत सारी पेटेंटेड रेसिपी है, बट जो छोटा मोटा हलवाई है ना उसकी नहीं है। वो क्या करता है, लड्डू बनाता है, गुलाब जामुन बनाता है, मिठाई बनाता है, और हमने केस स्टडी बनाई है इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर। अब होता क्या है, वो खुद ही लड्डू, गुलाब जामुन सब कुछ बनाता रहता है जीवन भर, दूसरे को नहीं सिखाता, रिप्लेस नहीं कर पाता। क्यों, प्रोसेस कॉपी हो गया, उसका खेल खत्म, उसका कॉम्पिटिशन बन जाएगा। हल्दीराम को टेंशन नहीं है भाई, हमारी रेसिपी पेटेंटेड है, कितना ही कॉपी कर लो कॉम्पिटिशन नहीं आ सकता मार्केट के अंदर। तो ये फायदा रहता है पेटेंट्स का, IPRs का। देखिए ये होता है ब्लू ओशन और रेड ओशन। अब ब्लू ओशन के अंदर क्या होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है। क्यों, मोनोपोली आप एंजॉय करते हैं। रेड ओशन में आप डिस्काउंट देते रहते हो क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप 10 रुपये का माल बेच रहे हो, कंपटीशन 9.5 का कर देगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा 9 रुपये, 8.5 रुपये, 8 रुपये, आप प्रॉफिट कब कमाओगे। अब ब्लू ओशन में क्या होता है भाई, आपने कुछ भी ऐसा बना दिया, अब वो ट्रेडमार्क हो सकता है, ब्रांड का नेम हो सकता है। आप एक चीज़ सोचो, मार्केट के अंदर इतने सारे आइसक्रीम बेचने वाले हैं, बट आज जो बड़ी ब्रांड्स हैं आइसक्रीम की मार्केट के अंदर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी ब्रांड्स आ जाए। आज अमूल है, अमूल को टेंशन नहीं, अमूल एक ब्रांड नेम है। तो आप एक अपने ब्रांड को अगर नेम बना दोगे, उसका ट्रेडमार्क ले लोगे, तो वो भी आपके लिए एक एंटी बैरियर है। आज अमूल की मैं फ्रेंचाइजी ऑनलाइन बेचने जाऊंगा ना, पानी की तरह बिकेगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आराम से बिकेगा। क्यों, लोग अमूल को जानते हैं, अमूल की आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा लोगों का। तो आपको देखना है कि क्या मैं अपने इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड नेम बना सकता हूँ, कोई प्रोसेस लेकर आ सकता हूँ, कुछ यूनिक कर सकता हूँ, उसको IPR करवा लो, जिससे मैं ब्लू ओशन में आ जाऊँ। मैं जो पैसा मांगूंगा वो मैं चार्ज करूंगा, मेरे हिसाब से कंज्यूमर का मार्केट चलेगा। इस चीज़ को समझना जरूरी है। आज बड़ा बिजनेस है, आप सोचो इतने सारे आज के टाइम में ना मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने सारे स्पीकर हैं, बड़ा बिजनेस कैसे इतने करोड़ों की कंपनी बन गया, इतना स्केल अप कर गया। बाकी जो स्पीकर्स थे, जो ऑनलाइन कोर्स बेच रहे थे, प्लेटफॉर्म्स आए थे, वो बिलियनरी प्रोफेसर को नहीं ला पाए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बड़ा बिजनेस के पास वो कंपटीशन में आ जाएगी, तो वहाँ से उन्होंने ब्लू ओशन क्रिएट करा। दूसरी चीज़, अब वो जो बड़ा बिजनेस है, वीडियोस बनाई, शूट करी, उस पर IPR किसका है, उस पर IPR है बड़ा बिजनेस का और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। अब बात को समझ रहे हैं, कॉम्पिटिशन उनको कॉपी नहीं कर सकता उन वीडियोज़ को, ना उसके डेटा को। तो उस चक्कर में ब्लू ओशन क्रिएट हो गया, बड़ा बिजनेस स्केल अप हो गया, और एक ब्लू ओशन में पैसा कमा गए। बाकी सारे जो कोर्सेज वाले, वो 900 रुपये में, 99 रुपये में, 1000 रुपये में आज भी अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर ब्लू ओशन बना सकते हो। अगर अपने बिजनेस के अंदर आप ब्लू ओशन बना गए, एंटी बैरियर लगा दिया, तो आप पैसा बना जाओगे।
सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे आपको इससे बेनिफिट होगा। देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, आपके ब्रांड का नेम होता है, धंधे का नाम, जैसे अपना पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, जीरोडा हो गया, कोई भी आप ब्रांड उठा लो उसका जो नेम होता है वो ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क लेने के बाद लाइफ टाइम ये वैलिड रहता है, बट हर 10 साल में 9,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस गवर्नमेंट को जमा करा के रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट रिन्यू को करवाती है। देखिए अगर आपने एक बार ट्रेडमार्क ले लिया उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट को क्या है किसी और को अपॉर्चुनिटी देनी है, तो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड देती है रिन्यूअल का, रिन्यूअल करवाते रहो टाइम टू टाइम, ट्रेडमार्क लाइफ टाइम तक आपके पास ही रहेगा। अब बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए जो ये आर्टिस्टिक वर्क होते हैं ना, डिज़ाइन, बुक, सॉन्ग, वेबसाइट का कोड, वीडियो, सॉन्ग्स, ये सारे आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आते हैं। आर्टिस्टिक वर्क में क्या होता है, आपने कोई ऐसी आर्टिस्टिक बुक किताब लिख दी, सॉन्ग लिख दी, पोएट्री लिख दी, फोटोज बना दी, उसका कॉपीराइट होता है। मतलब डिज़ाइंस भी अगर आप कार के रेडी कर रहे हो ना तो वो भी आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आते हैं, या तो पेपर के ऊपर है। अब आपको पता है एक मैकडॉनल्ड्स में और लोकल बर्गर बेचने वाले में अंतर क्या है, जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बनाने की रेसिपी वो पेटेंटेड है, वो कॉपी नहीं हो सकती, इसलिए वो स्केल कर पाए पूरी दुनिया के अंदर, एक देश में नहीं फैले आज पूरी दुनिया में फैले। मैकडॉनल्ड्स आज इतने सारे बर्गर बेच रहा है बट उनका बर्गर इतना टेस्टी नहीं होता रियलिटी बताओ जितना एक लोकल वेंडर का होता है। बट एक लोकल वेंडर कितने बर्गर बनाएगा, 10, 20, 50, 100, 200, इतना तो मैकडॉनल्ड्स एक सेकंड में बेच देता है। आपको स्केल करना है ना बिजनेस के अंदर तो पेटेंट जरूरी है, ट्रेडमार्क जरूरी है, तभी आप पैसा बना पाओगे। या तो आपको प्रीमियम चीज़ बेचो कि मैं 10,000 रुपये का एक बर्गर बेच रहा हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है, उतना कंज्यूमर नहीं है पे करने वाला, या फिर आप 1 घंटे में 1,00,000 बर्गर बेच रहे हो। तो आप अगर आपको पैसा बनाना है तो स्केल जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स भले ही एक बर्गर के ऊपर 2 रुपये 10 रुपये कमा रहा होगा बट वो कितने करोड़ों बर्गर एक दिन में बेच देता है, ये सोचिए कितने बड़े लेवल पे प्रोसेस को उन्होंने स्केल कर दिया। वो स्केल तभी होता है जब आपके पास IPR से, तो आपको टेंशन नहीं है कॉपी होने की। पेटेंट सब काम आता है जब आपको इनोवेशन कर रहे हो, नया प्रोसेस लेकर आए हो, मेथड लेकर आए हो, और इसकी वैलिडिटी 20 इयर्स तक होती है पेटेंट की, इस चीज़ का ध्यान रखना। अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी क्यों बना, इतने सारे ई कॉमर्स है। अमेजॉन ने 1999 के अंदर 1 क्लिक का पेटेंट फाइल करा था। मतलब क्या था, देखिए ई कॉमर्स में अमेजॉन ने देखा कि जो कंज्यूमर आता है ना, अब ऑनलाइन जो कंज्यूमर शॉपिंग कर रहा है ऑफलाइन से उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसको चाहिए सारी चीज़ें फास्ट हो जाए। अमेजॉन ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि अगर कंज्यूमर 4 से 5 क्लिक में चेकआउट नहीं कर रहा, उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो वो कंज्यूमर रिटेन नहीं होगा। इसके चक्कर में उन्होंने प्रोसेस को डेवलप करा कि 1 टाइम अगर किसी भी कंज्यूमर ने अपने कार्ड डिटेल्स को सेव कर लिया अमेजॉन के ऊपर, तो एक सिंगल क्लिक से अमेजॉन का कस्टमर कंज्यूमर बायआउट कर सकता है। 1999 के अंदर ये इस पेटेंट को लेकर आए थे, 20 साल तक ये पेटेंट इनके पास रहा और 20 साल तक इन्होंने मोनोपोली राइट्स को अपने एंजॉय करा और काफ़ी पैसा बनाया। ट्रेड सीक्रेट ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं। देखिए कोका कोला, ओरियो, मैकडॉनल्ड्स, KFC, अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ अपने फॉर्मूलाज को, रेसिपी को, सॉसेस को ट्रेड सीक्रेट रखते हैं। ट्रेड सीक्रेट रखने से क्या होता है, कॉम्पिटिशन या जो उनका कॉम्पिटिशन है, जो उनकी एम्प्लॉयज है ना, उनको नहीं पता कि ये रेसिपी कैसे बनती है। ये कुछ फैक्ट्री के अंदर से स्पेसिफिक लोगों को पता होता है। अब ट्रेड सीक्रेट का जो राइट होता है ना वो लाइफ टाइम तक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेटेंट में यही दिक्कत होती है कि अगर मैं किसी चीज़ का पेटेंट ले लूँगा ना, जैसे लेट सपोज कोका कोला ने पेटेंट लिया होता अपनी रेसिपी का, फॉर्मूले का, तो उसको 20 साल का राइट मिलता, बट कोका कोला 150 साल से पुरानी कंपनी है। उनका ट्रेड सीक्रेट है, उनका जो फॉर्मूला है वो US के अंदर एक जगह बनता है, उसको एक शीशी में पैक कर दिया जाता है, उसके बाद हिंदुस्तान में बाकी देशों के अंदर भेज दिया जाता है, और वहाँ पे कहा जाता है जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी होती है, जिसको फ्रेंचाइजी दे रखी होती है, कि सर इतने पानी में इतनी शक्कर और कोका कोला के फॉर्मूला को मिला लेना और बॉटल में पैक कर देना। तो ये स्टैंडर्ड्स उन्होंने बिल्ड कर दिए, सेम विद मैकडॉनल्ड्स। अब उनको पता है कि हर चीज़ का तो ट्रेड सीक्रेट नहीं हो सकता, तो वो सॉसेस का लेते हैं कि सॉसेस सिर्फ US में बनेगी, टिक्की सिर्फ US के अंदर बनेगी, डीप फ्रीजर में टिक्की को रखा, सॉसेस को US में फैक्ट्री में रेडी रखा, इंडिया में भेज दिया प्रोसेस बना के कि इतनी सॉस इतने बर्गर पे लगेगी, एक टिक्की लगानी, इस प्रोसेस को ऐसे करना है, और वो उसको स्केल कर दिया। तो ट्रेड सीक्रेट भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट रखने का, अगर आपको स्केल अप करना है तो। देखिए फ्रेंड्स ये सारे होते हैं IPRs, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, जिनकी मदद से ये सारे बिजनेस स्केल होते हैं। बिजनेस के अंदर अगर आपको स्केल करना है ना तो इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
अब आप में से जितने लोगों के भी क्वेश्चन है Q&A में, आप जो क्वेश्चंस पूछने मन में डाउट्स रह गए वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाएं, वन बाय वन में डिटेल के अंदर सब कमेंट्स का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच भवप्रीत, आपने बहुत ही आसान तरीके से पूरा टॉपिक जो है बहुत क्लियर तरीके से जो है समझा दिया है, और हमारे ऑडियंस भी काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन्हें काफी चीजें जो है अच्छे से समझ आ रही थी। मीनवाइल सवालों के लिए जो है अभी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच में मैं आपको ये फटाफट जस्ट बता देती हूँ कि आज के सेशन में हमने क्या क्या बात किया। देखिये हमने ना इसके तो उसके लिए सबसे पहले भव्री जी ने हमें बताया कि रजिस्ट्रेशन करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं बिजनेस की शुरुआत में, जिनका आपको ख्याल रखना होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास जरूर होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसा कि अभी भव्री ने आपको IPR के बारे में बखूबी बताया है, लेकिन आप ये समझिएगा कि आधे घंटे के अंदर IPR जैसा टॉपिक या लीगल कॉन्फ्लिक्ट जैसा टॉपिक कवर नहीं हो सकता। तो अगर आपके मन में अभी कुछ डाउट रह गया हो तो आप एक सिंपल सा काम करिएगा, बड़ा बिजनेस गैप पे जाएगा, हमारे पास कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट सबके सब के ऊपर जो है वो कोर्सेज है, तो आप उन कोर्सेज को देखकर ना सारी डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। खैर मैं कुछ सवालों को ले लेती हूँ। पहला सवाल है आदित्य का, आदित्य जानना चाहते हैं कि ये जो IPR का पूरा सिस्टम होता है इसको हैंडल कौन करता है। तो बेसिकली आई थिंक ये जानना चाहते हैं कि IPR में अगर इनको पेटेंट या ट्रेडमार्क चाहिए या कॉपीराइट कराना है तो आखिरकार इन्हें किस अथॉरिटी के पास जाना होगा। ठीक है आदित्य जी, देखिए आदित्य जी, अगर आपको बिजनेस के अंदर ट्रेडमार्क चाहिए, कॉपीराइट चाहिए, पेटेंट चाहिए, तो इसके लिए लॉ फर्म्स होती हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स इन इंडिया। मैं भी एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म ओन करता हूँ, उसके अंदर पार्टनर हूँ। आज हम ऑनलाइन लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पैन इंडिया। हमारे पास फंडेड स्टार्टअप्स भी हैं जिनको पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिनके पास 100-200 ट्रेडमार्क्स होते हैं। आपको अटॉर्नी सर्च करना है गूगल के ऊपर, आप हमारी फर्म पे भी आ सकते हो सोनीस विजन के ऊपर, वहाँ पे भी हम आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप लोकल ढूंढ रहे हो तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए ट्रेडमार्क अटॉर्नी, जो भी आप सिटी में रहते हो ट्रेडमार्क अटॉर्नी इन दिल्ली, इन मुंबई, इन कोलकाता, इन पुणे, इन बेंगलोर, इन जयपुर, इन उदयपुर। आज के टाइम में इंडिया में काफ़ी सारे ट्रेडमार्क IPR अटॉर्नीज हैं, तो ये सारे लॉयर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों के अंदर आपको मदद करते हैं, एडवाइस करते हैं कि कैसे आपको अपने IPR को प्रोटेक्ट करना है, कैसे बिजनेस को स्केल करना है IPR की मदद से। IPR अटॉर्नीज के पास जो है वो आप जा सकते हैं, और मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि भव्रीत जो है वो भी एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी है, तो आप इनकी मदद भी ले सकते हैं। भव्रीत मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप सेशन गेट में प्लीज अपनी डिटेल्स जो है श्योर मैम, श्योर, अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो सीधा आपसे जुड़ सकता है। सरजीत का एक सवाल है कि अगर उन्हें होटल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई होटल अगर ये ओपन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, तो वो कहाँ पे करवाया जा सकता है। श्योर मैम, मैं बता देता हूँ। अगर आपको होटल इंडस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए, सबसे पहले होटल के अंदर आपको चाहिए होता है ट्रेडमार्क। तो बेसिकली तीन आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसका आपको ध्यान रखना है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। ट्रेडमार्क, एम्प्लॉयज़ के साथ एग्रीमेंट, उनके डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे एम्प्लॉयज़ के स्टाफ के रखो, और अपना जो शेफ़ है उससे तो डेफिनेटली एग्रीमेंट साइन कराओ जिससे आपका शेफ़ बार बार रिप्लेस ना हो। और तीसरी चीज़ फूड लाइसेंस, जो आपको चाहिए ही चाहिए। फूड लाइसेंस की आपको जरूरत होती है, शेफ के साथ जरूर आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने अपने खाने से कुछ पहचान बना ली, लेकिन अगर आपका शेफ चला जाता है और उसके, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी सीक्रेट रेसिपीज को वो इधर से उधर कर दे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए शेफ के साथ एक अच्छा अग्रीमेंट जरूर बनाइएगा। एक अगला सवाल ले लेते हैं अभी सेना को, बड़ा ही दिलचस्प इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एम्प्लॉय जो है वो हमें अब छोड़ना जा रहा है, लेकिन वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधा हुआ है तो वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में वो क्या करता है कि वो अपना काम करने का जो स्तर है वो गिरा देता है, वो काम ठीक से नहीं करता है, तो अब ऐसे एम्प्लॉय के साथ क्या किया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो आपके साथ बंधा तो हुआ है लेकिन वो अपने पूरे मन से काम नहीं कर पा रहा है। ओके, देखिए इसके अंदर क्या करा जाता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी किसी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर लाया जाता है ना, तो सबसे पहली चीज़ उसकी देखी जाती है उसके फ्यूचर बेनिफिट्स। अब क्या होगा, देखिए कोई एम्प्लॉय की कंपनी के अंदर आया, आपने उसे डेफिनेटली बॉन्ड साइन करवा लिया 3-5 साल का, अब उसको 6 महीने बाद छोड़ना है, 8 महीने बाद छोड़ना है, वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो छोड़ेगा तो उसको आपको चेक फाड़ना पड़ेगा 4-5 लाख का जो भी बॉन्ड में आपने अमाउंट भरवाया है। तो वो लोग क्या होशियारी दिखाते हैं कि वो लोग अपने काम के अंदर ढिलाई कर देते हैं, ढीले हो जाते हैं एकदम कि मस्त हम तो बैठ गए,
करवा लो जो काम करवाना है आपको, हम भी देखते हैं कैसे करवाते हो। उनको समझ में आ जाता है कि आपको ही निकालना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप परेशान हो जाओगे। उस केस में पता है आप लोगों को क्या करना है, सिंपली सी, जब आप एम्प्लॉय से एग्रीमेंट साइन करवाते हो ना, उसमें उनके टारगेट्स लिखवाए क्लियर होने चाहिए, गोल्स, और वो भी नंबर्स के अंदर। और देखिए, कोई एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आके कुर्सी पर बैठ गया, टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहा, नंबर्स लाके नहीं दे रहा ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप उसकी सैलरी होल्ड पर डाल सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। आज बड़ी बड़ी कंपनीज में, या नाम नहीं लूँगा, वो सैलरी होल्ड पर डाल देती है, उनके साथ भी होता है, वहाँ भी यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बॉन्ड साइन करवाते हैं, एम्प्लॉय चेंट होता है, बैठ जाता है, अब वो सैलरी होल्ड पे डाल देते हैं, उसको बोलते हैं तो बैठा रहे, कितने टाइम तक बैठा रहेगा बिना सैलरी के, कहीं और जॉब नहीं कर सकता बॉन्ड के चक्कर में, सैलरी कंपनी दे नहीं रही है, वो भी हाथ बांध के बैठा हुआ है, तो वो भी परेशान हो जाता है, अल्टीमेटली वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर आता है। और देखिए, मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को, स्टार्टअप्स को एक चीज़ बहुत अच्छे से एडवाइस करता हूँ, और जो मैंने खुद बड़ा बिजनेस विवेक सर से भी सीखी है, काफ़ी सारे जनों से सीखी है, कि देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है ना, वो एक फ्रेंडशिप की तरह होता है, उनके बीच में एक दोस्ती का रिलेशन भी होना चाहिए, नॉट अ रूलर रिलेशन, क्योंकि एम्प्लॉय ही कंपनी को चलाता है। अगर एम्प्लॉय आज काम ना करे, कंपनी को रन ना करे, एम्प्लॉयर क्या कर लेगा, सारी चीज़ तो खुद कर नहीं सकता, और एम्प्लॉयर को सारी चीज़ पता है, सारी उसके पास नॉलेज है, उसके बिना एम्प्लॉय भी कुछ नहीं है, सैलरी अल्टीमेटली कंपनी से ही मिलेगी एम्प्लॉय को, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो होशियारी दिखाएं तो आप भी होशियारी दिखाओ, वो सही चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो आप भी उनके साथ अच्छे चलो, उनको बोनस, इंसेंटिव्स दो, ईसॉप्स दो, किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके साथ कॉफ़ी के ऊपर बैठ जाओ, कि भाई कॉफ़ी पीते हैं, साथ में बैठ के देखो काम में दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ दिक्कत है, इसको रिजॉल्व करते हैं। जितना मैटर्स को रिजॉल्व करोगे, फ्रेंडली रिलेशन रखोगे कंपनी के अंदर, उतनी कंपनी ग्रो होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना।